जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें नमन कर रहे हैं। जी आज पावन बलिदान दिवस है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है, 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कोशिश प्रयास किया था। तत्कालीन सरकार की मंशाओं को ध्यान में रखकर के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़कर के देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें अपने प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार ने किया है, यह उन सभी मुकदमाओं के लिए जिन्होंने कश्मीर के लिए, देश के अखंडता के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित किया।